दिक्कत परेशानी आ रही है, सुबह आने में तो बहुत दिक्कत हो रही है, रोडों पर पानी भर गया है, नाले साफ नहीं है, साफ सफाई नहीं है MCD की तरफ से, इसलिए तो प्रॉब्लम है आदमी की ड्यूटी आने जाने में। कैसे कहेंगे देखते आप केजरीवाल दिल्ली मॉडल को? देखिए केजरीवाल ने जो कहता है कि मैंने ये किया, किए तो कुछ नहीं है, खाली बातें बात भर है। आज बता काम हुआ होता तो आज ये बात नौबत नहीं आती कि दिल्ली के अंदर पानी तो भर जाए नाले के थ्रू, उसको सफाई हुआ होता ढंग से उसकी सब कुछ काम हुआ होता तो ये हाल नहीं होता। तो किसका आप देखते कौन है जिम्मेवारी? इसका तो जो जिम्मेवार वही है जो थी जो केजरीवाल सरकार है अभी आम आदमी पार्टी के, तो जिसकी तो सरकार है वही है जिम्मेवार, इसकी जिम्मा उसी को लेना चाहिए, गलतियाँ अपनी माननी चाहिए। देखिए जहाँ तक अगर हमारे व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूँ, जहाँ मैं रहता हूँ मयूर विहार में फेज टू ईस्ट विनोद नगर, वहाँ पे क्या है नॉर्मल बारिश भी होती है तो हम हर साल हमारे गली में पानी भर जाता है। रीज़न यही है कि नाले की सफाई प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ तो मेरी गली में तो प्रॉपर हर साल सामान्य बारिश में ही भर जाता है। अब इस समय तो बाढ़ आई हुई है तो स्थिति असामान्य हो चुकी है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने पहले से कुछ तैयारियाँ करी होती, चूँकि हिमाचल में और वहाँ से जब पता था कि इतना बाढ़ आई है तो पानी वहाँ से हथनीकुंड बैराज से छोड़ा ही जाएगा, तो उससे पहले हमें तैयारी यहाँ करनी चाहिए थी। आज जो लोग जिनका सारा खेती जो यहाँ पे बगल में सब्जियाँ लोग जमुना किनारे करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, वो सारा पूरा बर्बाद हो चुका है। सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, पहले से ही टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा है, तो सब्जियाँ कहाँ से आएंगी? जो जमुना पार की जो सब्जियाँ वहीं आके वहाँ मार्केट में मिलती हैं सस्ती और मतलब सुलभ रहती हैं ताज़ी सब्जियाँ, अब वो मंडी वाली मिलेगी और दोगुना तीन गुना रेट पर मिलेगी। देखिए जिम्मेवार नेचुरली जो सरकार में उसी को जिम्मेदार माना जाएगा, और केजरीवाल तो पिछले 10 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसका मतलब आपने उसके अकॉर्डिंग कदम नहीं उठाया। MCD भी आपके पास आ गई अब, तो अगर आपने पहले से कदम उठाया होता, नालों की सफाई प्रॉपर हुई होती, तो कम से कम ये इतनी स्थिति दयनीय नहीं होती। देखिए समस्या अभी उतनी नहीं आई है, पर आने की स्थिति बन चुकी है ना। अभी जितना जल चढ़ चुका है आने वाले टाइम में और चढ़ेगा, लेकिन जो हमारी दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार तो हर समय जब भी कोई समस्या आती है हाथ खड़े कर देती है। गृह मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, इधर हरियाणा को कोस रहे हैं, अरे तुम अपने दम पे करो, तुम यहाँ सरकार आई है तुम्हारी चुनकर, तो लोगों की समस्याओं को देखना तुम्हारा काम है। पर चीज़ वही है, जब भी कोई समस्या आती है तो दिल्ली सरकार की तरफ से तो हाथ खड़े हो जाते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार को अपने दम पर दिल्ली को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। बस भाई साहब ये कोरोना काल आया तब भी उन्होंने केंद्र सरकार तब भी केंद्र सरकार के पास ही वो लोग पहुंच गए कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर लोगों ने आपको वोट दे के चुना किस लिए? जब भी बारिश आती है समस्या होती है, आपको पहले से उसके लिए काम करना चाहिए ना। 10 साल से दिल्ली में बैठे हैं ये लोग, लेकिन आप देखो हालात पहले से ज़्यादा खराब हो रहे हैं। इतने बुरे हालात तो कभी नहीं हुए दिल्ली में बारिश की वजह से। जगह जगह आप देखोगे सीवर ब्लॉक हैं, पानी बह रहा है सड़कों पे, गंदा गड्ढे नालियां, बहुत बुरा हाल है। अब MCD भी इनकी है। MCD भी इनकी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो किसको देना चाहिए भाई? हम तो BJP को पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो फ्री की राजनीति है ना, ये कभी भी काम नहीं आएगी। और फ्री की राजनीति कुछ लोगों तक पहुंच रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम जो मिडिल क्लास लोग हैं हम तो हर तरफ से परेशान हो रहे हैं। बस यही है भैया, और क्या कह सकते हैं। ये सामना करना पड़ रहा है कि हर एक साल आपके सामने ये यमुना जी की तरफ दिखाओ पानी आती है, बाढ़ आता है, NGT वगैरह है, लोकल जगह पे पानी भर जाता है, ये सब हर एक साल की बात है, कोई नई बात तो नहीं है ये। तो जो करोड़ों रुपया आप लोग NGT में खर्च कर रहे हैं, अभी देखो आप यहाँ पे ये जलकुंभी वगैरह भरी हुई है, आप इसको हल्का सा साफ करवा सकते हैं तो ये बढ़िया। अपने आप ही वो जो पानी के प्रकृति के हिसाब से चलेगा, जब बारिश का महीना है सबको पता है सावन में बारिश होती है, उससे पहले नालियों की सफाई क्यों नहीं करते परमानेंट? अभी हमारे गली में चलो, ये तो हर एक पूरे दिल्ली की बात है। यहाँ ये समस्या इसमें रिस्पॉन्सिबल वो है जो इस चीज़ की नौकरी कर रहे हैं, जो भी सरकारी महकमे में बैठे हुए हैं, जो NGT में है या केजरीवाल जी हैं या जो भी दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल हैं, वो इनको कहते हैं कि जी वो राज्यपाल जी ये नहीं कर रहे, वो राज्यपाल जी ये नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी को तो निभा नहीं रहे। अभी केजरीवाल का भी अखबार के अंदर ये छपा हुआ है कि उन्होंने जितने भी बाढ़ के ग्रस्त लोग हैं सबको स्थायी थोड़ा वो टेम्प्रोरी जगह पे शिफ्ट किया हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था करी हुई है। अभी आप चलो यहाँ से यमुना जी के किनारे, यहाँ से यहाँ तक आप लास्ट तक लक्ष्मी नगर तक आप जाएंगे, आप अभी दिखा दो यहाँ पर कहीं भी अगर पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था तो छोड़ो, अगर पानी की व्यवस्था है, नहीं है ना।
राजनीति हो रही है, कोई अपना काम ढंग से करना नहीं चाहता। जो हमारी जिम्मेदारी है, हम कोई नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, हमें किसी ने लगाया हुआ है। अभी पुलिस वाले बता रहे हैं कि यहाँ जी पुलिस वाले घूम रहे हैं, आने के लिए मना कर रहे हैं लोगों को कि बाढ़ है ये फलाना ठिकाना, बोट वगैरह कोई सुविधा है? सब लोग फलाना आराम से घूम रहे हैं। क्यों, हादसा हो जाएगा? हादसा होने के बाद वो बोलेगा जी हमने तो ये टीम लगा रखी थी, हमने वो बोट लगा रखा था। हकीकत में ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया भी वो चीज़ ही दिखाती है जो उसको फ़ायदा हो। मैं तो भाई रहता पटेल नगर हूँ, मैं गांधीनगर आया था घूमने के लिए, पानी के लोग बता रहे थे पानी बहुत ज़्यादा है, वो पानी के लिए देखने आया था। तो सारे रोडों पे जितने भी लोग जंगल में यहाँ पर लोग रहते थे नीचे, सारे लोग रोडों पे हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई है कोई भी चीज़ की, ना ही पानी की, ना ही उनको खाने की, ना ही बिस्तर की, किसी भी चीज़ की। सारे लोग रोडों पे ऐसे पड़े हुए हैं बेचारे गरीब, सारी जनता परेशान है, जितनी भी जिस रोड पर जनता है सारी रोड परेशान है। आप खुद चल के मेरे साथ में देख सकते हो, मैं देख के आ रहा हूँ, दो घंटे इस रोड पर लगा के ही आ रहा हूँ मैं। दिल्ली सरकार में कोई नहीं, केजरीवाल जी का कोई भी काम सही नहीं लग रहा, और सारे रोड जितने भी हैं सारे रोडों पर पानी खड़ा हुआ है। अच्छा। कहीं निकालने का रास्ता तो बनाते ना, बनाते पानी रोड बना दो, रास्ता पानी निकालने का रास्ता तो बनाओगे आप? नहीं बनाओगे, हर जगह पानी खड़ा हुआ है। ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, देखो जाके अब राजघाट पर, पूरा राजघाट पूरा पानी, लाल किले पानी टिका हुआ पूरा, कोई भी पूरा कुछ भी उसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा वहाँ पर जाकर। और मैं खुद देख कर रहा हूँ, दो घंटे लगा कर रहा हूँ इसी चीज़ पे भेजा पूरा, कोई सुविधा नहीं है सर वहाँ पर, कोई भी सुविधा नहीं है। अभी यहाँ पर पानी रोड पे निकाल रहे हैं और रोड पे पानी डालना है, यहाँ पे अभी पानी खींच रहे हैं वाले ऑफिस से, खींच रहा पानी और रोड पे आ रहा पानी, वो पूरा रोड वाला रोड भी ब्लॉक कर दिया पूरा। पिछले एक सप्ताह से मौसम विभाग भी भारी बारिश की भविष्यवाणी कर रहा, पहाड़ों में इतने बुरे हालात हैं, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने समय रहते ना तो नालों की सफाई की है। नाले आज हालात ये है कि नाले बैक मार रहे हैं, और जितने भी बरसाती नाले थे उनमें करोड़ों का घोटाला होता, सिर्फ कहने के नाम पर ये होता है कि भाई कुछ जगह मजदूर लगे दिखाई देते हैं दिल्ली में, और ना ही वो सिल्ट उठती है। उसका नतीजा है कि निचले क्षेत्रों में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना जी अपने वास्तविक रूप में चल रही है, यमुना जी ने किसी का कोई अतिक्रमण नहीं किया, हम लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ उसका, और जब यमुना जी अपने जो उसका स्थान है उसको ले रही है। और जहाँ तक केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं कि हथनी कुंड बैराज से इतना पानी छोड़ दिया, हथनी कुंड कोई डैम नहीं है, हथनी कुंड एक बैराज है जहाँ उत्तराखंड और हिमाचल से जो पानी आता है उसको स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि गर्मियों में या बाद में सिंचाई के या पीने के पानी के लिए उसका उपयोग किया जा सके। लेकिन यदि हथनी कुंड बैराज पे बहुत मात्रा में पानी आ जाएगा और वो छोड़ेंगे नहीं, तो ताजेवाला में पहले बैराज था, उससे 5 किलोमीटर पहले वो ताजेवाला का बैराज ही टूट गया था, एक बार भारी पानी आया था। तो कोई भी सरकार जहाँ पे ये बैराज लगे होते हैं उसकी जानकारी सारे स्टेट गवर्नमेंट को देती है कि इस मात्रा में हम पानी छोड़ने वाले हैं और कल इस मात्रा में छोड़ेंगे। आपके पास तीन चार दिन पहले वार्निंग दे दिया था कि आपके पास 4 दिन बाद ये पानी पहुँचेगा, आपने समय रहते क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई की, जिससे कि लोग आज भी आपने भी देखा होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से कि पेड़ों पर लटके हुए हैं लोग, आपने क्यों नहीं निकाला उनको समय रहते, जिनका सामान का नुकसान हो गया। सामान के नुकसान के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि आज सुबह ही कितने न्यूज़ चैनलों पर यह देखा कि स्कूल के बच्चे स्कूलों में चले गए, उनको वापस आने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो ऐसी गंभीर लापरवाही, ये तो अभी तक भगवान का शुक्र है और यमुना जी का भी शुक्र है कि अभी तक कोई बहुत भारी यहाँ कैजुअल्टी दिल्ली के अंदर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह का यमुना का बहाव चल रहा है इसमें कोई भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, उसके लिए पूरी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार पर जाती है, क्योंकि राज्य सरकारें सभी अपना प्रबंधन करती हैं बाढ़ को और पानी को बरसात के मौसम को देखते हुए, यहाँ उसकी तैयारियों का पूर्णतः अभाव है।